ओके स्टूडेंट्स, सो द मीनिंग ऑफ दिस पॉवर्टी इज दैट कि व्हेन एन अ चाइल्ड स्टार्ट शोइंग इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आई हैव जस्ट डिस्कस्ड विद यू बोथ इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, देन दिस पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पॉवर्टी. ओके, सो हाउ डू ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. We must remember that the sexual mode of reproduction means that the germ cells from two individuals have to join together. देखिए, sexual reproduction का मतलब ये है कि जो दो germ cells हैं जो कि produce किए जा रहे हैं male और females के द्वारा, मैं जिस विच आई हैव टोल्ड यू कि males में sperm होता है, females में ovum होते हैं, तो जब वो fuse करके zygote formation करते हैं तो इस process को ही हम reproduction कहेंगे, sexual reproduction कहेंगे. okay? This can be happened by the external release of germ cells from the bodies of the individual as happen in flowering plants, or it can happen by the two individuals joining their bodies together for internal transfer of germ cells for the fusion. For sexual reproduction has to be take place, जैसे कि flowering plants में होता है, they have the male and the female both has to release their germ cells, and for this they have to unite their bodies. So that कि द ट्रांसफ़र ऑफ मेल स्पर्म्स कैन टेक प्लेस इन द फीमेल बॉडी. ठीक, एंड देन आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स कैन बी टेक प्लेस. इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मेटिंग, देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफिएबल बाय अदर इंडिविजुअल. Many changes during puberty such as new hair growth pattern are signals that sexual maturation is taking place. तो जो भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं जब वो स्टार्ट हो जाते हैं देखना, तो इसका मतलब है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी एक ऑर्गेनिज्म में आ गई. ऑन द अदर हैंड, द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल नीड्स स्पेशल ऑर्गन्स फॉर सेक्सुअल एक्ट एंड सच एज पेनिस व्हेन इट इज़ कैपेबल ऑफ बींग इरेक्ट. इन मैमल्स such as human, the baby is carried in the mother's body or for a long period and will be breastfed to later. The female reproductive organs and the breast will need to mature to accommodate these possibilities. तो जो actual transfer है जो germ cells का दो people के बीच में, उनके उस process के लिए special organs की ज़रूरत होती है, जैसे कि males में penis होता है और females में जो females में जो एक बेबी को कैरी करने के लिए वोम होती है. साथ ही द मदर हैज़ टू ब्रेस्ट फेड देयर बेडी ब्रेस्ट फेड देयर बेबीज, तो इनके जो भी ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, उनका मैच्योर होना आवश्यक है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ लेट डिस्कस द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल. तो जस्ट see the structure. There is a scrotum where the germ cells of the males, that is the sperms, are produced and it is stored testes mein. Vas deferens ke through ye jo hai transfer hote hain and then they reaches to the penis. Urethra yani ki jo urine ka aur jo sperm का रिलीज होने का जो भी वो होता है, वे होता है, वो एक ही होता है थ्रू द पेनिस. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूसेस द जर्म सेल्स एंड अदर पोर्शन दैट डिलीव द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट है. पहला वो पार्ट जहाँ पे जर्म सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि स्पर्म्स जहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, और दूसरा जहाँ से स्पर्म्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं. The formation of germ cells or sperms takes place in their testes. जो germ cells और sperms का formation होता है वो कहाँ होता है? Testes में होता है. They are located outside the abdominal cavity in the scrotum because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. जो testes होती है वो abdominal cavity जो है उससे बाहर present होती है स्कॉट्रम में, क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन है उनको फॉर्म करने के लिए लोअर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है.
जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से दो कम होना चाहिए, इसलिए अंदर का टेम्परेचर ना हो तो इसलिए वो बाहर रहती है। वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ टेस्टीज इन द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। हमने जो है जो टेस्टीज का जो रोल पढ़ा था कि जो टेस्टीज होती है वो इसके अलावा हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करती है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। इन द प्रीवियस चैप्टर, इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ द पॉबर्टी। जो बॉयज़ में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं वो ड्यू टू द हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वेस डिफरेंस विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। जो स्पर्म्स होते हैं वो वेस डिफरेंस के थ्रू जो है वो यूनाइट करते हैं, और ये जो ट्यूब होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के पास में आता है। यूरेथ्रा दस फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड द यूरिन। तो जैसे मैंने बताया, तो जो यूरेथ्रा होता है वो स्पर्म्स भी रिलीज करता है और यूरिन भी रिलीज करता है। अलॉन्ग द पाथ ऑफ द वेस डिफरेंस, ग्लैंड्स लाइक द प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसाइकिल एट द सिक्रीशन सो दैट द स्पर्म्स आर नाउ इन अ फ्लूड विच मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट ईजियर एंड दिस फ्लूड ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रीशन। जो सेमिनल वेसिकल्स हैं और जो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड हैं वो स्पर्म को एक फ्लूड भी देते हैं। फ्लूड के साथ स्पर्म्स जो होते हैं वो आता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इस फ्लूड में जो स्पर्म होता है वो ईजिली ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है, और साथ ही साथ ये जो फ्लूड होता है वो स्पर्म को न्यूट्रीशन भी प्रोवाइड करता है। द स्पर्म आर द टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल and the long tail that help them to move towards the female germ cells। जो स्पर्म का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो स्पर्म बहुत ही छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, और इनमें जो बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है, साथ में एक लॉन्ग टेल होती है जो कि उनको फीमेल जर्म सेल तक पहुँचने में मदद करती है। ठीक है, तो दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, टेस्टीज, स्कॉट्रम, वेस डिफरेंस सेमिनल विसाइकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड्स, पेनिस एंड द यूरेथ्रा। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो क्लास आज के लिए बस इतना ही, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक। नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम प्लीज़ रिवाइज इट and ask if you have any kind of queries. Thank you.